बताओ क्या क्या डाला? इसमें डाला लहसुन, प्याज, जीरा, ये देखियो बेसन की कतरियां बनाई थी। लहसुन अदरक प्याज, ये हरी मिर्ची भी डाल दी। आज बहुत लोग खाना बना रहे, बहुत मजा आ रहा है, इसलिए हमने कहा वीडियो बनाए, तो इस बात हम यही देख देख के बना लिया करेंगे। खाना बना रही हमारी समधन, आज हम भी सीख रहे बनाना। मुझे लग रहा था तेल कम है, लेकिन देखो अभी तेल साइडों से निकल आ रहा है, सही है तेल। मुझे लग रहा था कम है। देखो कुकर पर रोटी चिपका रही है, देख ले। हल्दी डाल दी, लाल मिर्च, कश्मीरी मिर्च पहले डाल दी, धनिया पाउडर, गरम मसाला डाल दिया। आज सब्जी बहुत टेस्टी बनने वाली है, देखते हैं। देखिए थोड़ा सा पानी डाल दिया, नहीं तो मसाला जल जाता। ये देखिए नमक डाल दिया। ये देखिए इसमें भी नमक डाल दिया था ना, इसलिए कम डाला, क्योंकि इसमें पहले से ही पड़ा हुआ था। ये हमने दिखा नहीं पाया आप लोगों को, लेकिन बेसन सूखा, ये बेसन जब सूखा था, जब नमक हींग डाल के और गीला करके मार लिया और रोल बना के इसको बॉईल करके और काट दिया। देख ले आज मेरी समधन बना रही है खाना। ये डाल दी इसे, आज बहुत हंसी पड़ी हुई है। इस तरह से खाना बन रहा है, आप लोग भी देखिए, हंस हंस के खाना बनाया जा रहा है। तो शायद ये देखिए इस तरह से इसको फ्राई करेंगे, थोड़ी तो ऐसी निकाल लेंगे, सूखी भी अच्छी लगती है। उसके बाद रसीली बनाएंगे, तो उसमें पानी डालेंगे। एकदम परफेक्ट नमक मिर्ची है इसमें, बहुत स्वादिष्ट बनी हुई है। ये देखिए हमारी समधन के हाथों का कमाल है आज। ये देखिए आज हमारी समधन ने खाना बनाया, ये रोटी है, ये सब्जी है, पनीर की सब्जी है। ये देखिए इसमें डाल दिया पानी, ये बनाएंगे रस्से वाली सब्जी। ये सूखी निकाल दी खाने के लिए। और ये देखिए मेरा चैनल लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। ये देखिए रोटियां हमने कुकर पे बनाई हुई हैं, ये देखिए तंदूरी रोटी पर होटल से लेके आते हैं, इसी तरह से बनाते हैं। ये देखिए इस तरह से इस पे सेकते हुए रोटी, तुमने बाबा ये देखिए रोटी हमारी सिक्के हो गई तैयार, और इस पर लगाएंगे घी। ये देखिए इसके तरह ऐसे भी पका, ये देखिए चिपड़ गई रोटी। ये करी पत्ते से सजा दिया, आज मेरे धनिया खत्म हो गए, जा नहीं पाए मार्केट लेने के लिए। ये देखिए ये रसीली सब्जी, ये सूखी, ये बेसन की है दोनों, गोविंद गट्टे बोलता है कोई, बेसन की कतरिया बोलता है। और मेरा चैनल लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। ये देखिए बहुत ही स्वादिष्ट बनी हुई है।